ऑफिसर एडवर्ड, कैसे आना हुआ? मैं तो इस माल की जानकारी पुलिस को दे चुका हूँ। मैंने सुना है कि तुम इनके अलावा कुछ खतरनाक चीजें भी बेचने लगे हो। मैं तो बस चरस का एक बड़ा डीलर हूँ, क्योंकि मुझे इसी काम में मजा आता है। मैं खतरनाक हथियारों की बात कर रहा हूँ, शाने बंदूकों की। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास जो कुछ है तुम्हारे सामने है। हथियार कहाँ छुपा रखे हैं जीव्स? अरे कैसे हो? इसे इसी वक्त सारे हथियार दिखाओ। के मैंने तो एक अरसे से वो काम बंद कर दिया। झूठ मत बोलो जीव्स, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। रुको सुनो तो। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। वो मार देगा दोस्त। एक, मेरी बात मानो, ये आदमी सनकी है, कुछ भी कर सकता है। 2। अच्छा घबराओ नहीं, मुझसे बात करो, ये आदमी तो ऐसे हालात में पागल हो जाता है। ये आदमी तो पागल है ही, इसे खूब जानते हैं। जाओ यहाँ से। अपनी बंदूक नीचे फेंको और हाथ ऊपर करो। मैंने आगाह किया था। बंदूक नीचे फेंको। तुमने भी आगाह किया था। मैं गोली मार दूंगा। तुम इंसानों के सीने में दिल नहीं होता। तुम्हें पता है इसके गोली कितनी चुभती है? हमें जल्दी से माल दिखाओ, वरना तुम्हारा दूसरा सर भी उड़ा दूंगा जीप्स। अब बताओ वो रही, वो जो बीच में है। ये तो बहुत ही खतरनाक बंदूक है, और इसे तुमने एक अनजान बिना लाइसेंस के अंतरिक्ष जीव को बेच दी। जीव्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुझे तो वो ठीक ठाक ही लग रहा है। जरूर किसी को मारने की साजिश होगी। वो किसे मारना चाहता मुझे था? नहीं मालूम। जल्दी बताओ जीव्स। मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारे सारे हथियार जब्त किए जाते हैं। तुम अपने ग्रह पर फौरन वापस चले जाओ, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और मैं इस गैर कानूनी सामान के बारे में बात करने वापस आऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, जरा बताओगे यहाँ हो क्या रहा है? बता रहा हूँ, करीब 40 साल पहले सरकार ने कम पैसों में एक एजेंसी खोली थी, जिसका मकसद था दूसरे ग्रहों के एलियंस यानी अंतरिक्ष जीवों के साथ आपसे ताल्लुकात बनाए रखना। अगर आप इस मशीन के नीचे वाले हिस्से में देखें तो हमारा आई टेस्ट पूरा। लेकिन किसी के लिए इस एजेंसी की कोई अहमियत नहीं थी, सिवाय उन अंतरिक्ष जीवों के जिन्होंने 35 साल पहले इस शहर के बाहर हमसे कांटेक्ट किया। उस मनहूस रात हम 9 लोग थे, 7 एजेंट, 1 वैज्ञानिक और 1 नौजवान जो हमेशा के लिए इस काम में खो गया। ओ, तुमने उस लंबे से आदमी को फूल दिए थे। इस तरफ। वो कुछ बेघर अंतरिक्ष जीव थे। वो इस धरती पर अपनी बिरादरी को बुलाना चाहते थे, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तुमने कोई लड़ाई की फिल्म देखी है? बिल्कुल वैसे, सिर्फ वो इंसान नहीं। अच्छा। हम उनकी बात मान गए और उनके आने के सभी सबूत छुपा दिए। तो इन फ्लाइंग सॉसेस को धरती पर उतारने के लिए ये विश्व मेले का नाटक रचाया गया था। वरना वो मेला न्यूयॉर्क में क्यों करते? हर साल यहाँ इंसानों से ज्यादा अंतरिक्ष जीव आते हैं और हमारे बीच रहते हैं। देखिए, आई एम सॉरी, मैं बात बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, पर आपने आखिरी बार दिमाग का चेकअप कब करवाया था? लगभग 6 महीने पहले, ये कंपनी पॉलिसी। समझा, आप दोबारा करवाना चाहिए। देखिए, आपके दोस्त जेड से कहिए मुझे यहाँ वाकई बहुत मजा आया और इस सब के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बताएंगे। ठीक है, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, तुम पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। क्या हो रहा है दोस्तों? अच्छा, ये फिल्टर कॉफी तो नहीं है? नहीं, इलायची कॉफी। अब ये मत कहना कि मुझे उसमें बासी दूध डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, तुम्हारे पसंद की ताजी क्रीम है। गुड गुड, यहाँ रहने में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। वादा रहा, फिर मिलेंगे। तुम अभी कॉफी नहीं पियोगे? यहाँ आने का मकसद राजनीतिक काम। कब तक रुकेंगे? दोपहर के खाने तक। कोई फल या सब्जी लाए हैं? ये रहा। आज यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने साथियों से बाहर के हॉल में मिले। तुम इस एलियन से दूरी रहो, वो गुस्से में है। लाखों मील के सफर के बाद 3 घंटे कस्टम में लगे तो कोई भी चिड़चिड़ा जाएगा, समझ गए ना?
Hey, हम गवर्नमेंट के किस ब्रांच को रिपोर्ट करते हैं? किसी को नहीं, वो बहुत पूछताछ करता है। तो ये खर्चा कौन देता है? दूसरे ग्रह से जो एलियंस यहाँ आते हैं, हम उनकी चीजें जब्त करके बेचते हैं, जैसे फौरन खाना पकाने और मोटापा कम करने की मशीन। ये चीज कमाल की है, ये जल्द ही सीडी की जगह लेगी। अब सारे म्यूजिक एल्बम इसी आकार के आएंगे। वाकई बहुत मजेदार होगा ये, और एक कमाल की चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। इसकी मदद से हम अंतरिक्ष की जुबान समझ सकते हैं। पता है दूसरे ग्रह वाले इंसान की सोच को अपनी से बदतर समझते हैं। समझ गए ना खर्चा कैसे निकलता है? हाँ? पर ये क्या चीज है? अरे यार संभल के, नीचे सर नीचे रखिए। ओ अपना सर संभालो, इसे कोई बर्फ लाके दो यार। अरे संभल के, तुम्हारी तरफ आ रहा है, हटो हटो। अरे इसका जुर्माना मैं भरूंगा यार, तोड़ दिया। ओ यार संभालो, कोई पकड़ो इसे। ओ कुछ साल पहले इस चीज ने न्यूयॉर्क में अंधेरा करवा दिया था। ये एक एलियन की बदमाशी थी, उसकी नजर में मजाक था। सॉरी यार, गलती हो गई, माफ कर देना। सॉरी। अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाना प्लीज। हाँ एक मिनट, ये मैं तुम्हारा दूसरा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखना चाहूंगा। ठीक है, इस एलियन कार्ड के मुताबिक तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। तुम कहाँ जा रहे थे रेडगेट? जी वो ये मेरी वाइफ है, और वो भी इस वक्त आप दिखे ना। ओह ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके तो मेरे साथ आओ रेडगेट, और तुम इन्हें देखना। कौन मैं? आसान है, बस पकड़ना है। क्या वो उसे संभाल पाएगा? ये उसका रोज का काम है, करने दो। देखो देखो मैं अब ये कुछ हो रहा है क्या? देखो कुछ, तुम्हारे सभी दोस्त शहर में हैं, पर तुम शहर के बाहर जा रहे हो। क्या चल रहा है? हम किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने? असल में हम वापस जा रहे हैं। वापस? लेकिन आज जाने वालों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। अचानक एक जरूरी काम आ गया। अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम अचानक धरती छोड़कर जा रहे हो? बस हमें यहाँ पर डर लगने लगा है। बात यह है कि कुछ नए खतरनाक एलियंस आए हैं। कौन से नए एलियंस? इसका कल रात के धमाके से कुछ लेना देना है? नहीं, वो शायद। अरे यार के देखो देखो ये के मुबारक हो रेड केक, ये तो बहुत प्यारा है। के ये के देखो, ये इंसान के बच्चे से भी कितना। कितना प्यारा है। इस मामले में कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें?